हाय गाइस, MX Excel के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पिछले जो वीडियो था उसमें हमने होम मेन्यू देखा था। होम मेन्यू में जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये जो ऑप्शन होते हैं इनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो हमारा होम मेन्यू अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में हमें दिखता है टेबल, एडिंस, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, टूल्स, पाकलाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स। तो ये जो सब मेन्यू है इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आई होप कि मैं एक लेक्चर में बना सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, तो मैं आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल कंटिन्यू करता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम टेबल्स देखते हैं। टेबल्स में सबसे पहले जो तीन मेन्यू है इनमें आप देखिए, पहला मेन्यू है पिवट टेबल, रिकमेंडेड फीचर टेबल्स, टेबल्स। तो ये पिवट टेबल क्या है, तो इस पर आप अगर होवर करके देखेंगे तो इसमें बताता है ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पिवट टेबल। तो इसमें आप अगर आपका कोई बहुत बड़ा डेटा है उसे अगर आपको मैनेज करना है या उसे हैंडल करना है तो उसे एक ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट देने हैं जिसकी वजह से आप उसे ईजिली समराइज कर सको। तो इसके लिए ये पिवट टेबल का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो इसे इस यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो टेबल है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसमें ये टेबल की रेंज बताता है, यानी आपका टेबल कितना है, कौन से रो से कौन से कॉलम तक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है C4, यानी कि यहाँ पे देखिए C4 यहाँ से स्टार्ट होता है और E8 यानी कि 25,000 का ये जो सेल है यहाँ पे ये एंड होता है। तो हमने हमारे टेबल की लोकेशन दे दी। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके भी उसे लोकेशन दे सकते हैं और यहाँ से कस्टमाइज करके भी आप उसे लोकेशन दे सकते हैं। तो आपको कस्टमाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसे सिंपली सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो उसे पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो इधर आप देखिए पिवट टेबल फील्ड्स, ये जो नया ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है, इसमें आपको जो आपके हेडर है टेबल के, तीन ही जो हेडर है, आपको याद होगा कि हमारे टेबल के तीन हेडर थे, नेम, मोबाइल नंबर और सैलरी, ये तीन हेडर थे। इन तीनों पर आपको टिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका टेबल था ये यहाँ पे आ चुका है, उसका नेम भी आ चुका है, मोबाइल नंबर, सम ऑफ सैलरी यानी कि ये जो यहाँ पे टोटल दी इसने सैलरी उसकी सम भी निकाल दी ऑटोमेटिकली, और उसका मोबाइल नंबर भी निकाल दिया और ग्रैंड टूल्स ये इसका सब ऑलरेडी इसने कर दिया, यानी कि इसने टेबल को एनालाइज कर दिया। आपको मैन्युअली एनालाइज करने की कोई नेसेसिटीज गिरी नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड पिवट टेबल। तो ये सिंपल पिवट टेबल जैसा ही है, यानी कि ये आपके टेबल को रिकमेंड करता है कि आपने कौन सा टेबल यूज़ करना चाहिए, उसे कैसे एनालाइज किया तो वो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये उसे अरेंज कर देता है। तो हम इसको अनडू करते हैं। ओके, तो पहले ये ऐसा टेबल था, अब हम इसे रिकमेंडेड टेबल से देखेंगे क्या होता है। मैं यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो इसने यहाँ पे ये रिकमेंडेड टेबल था एक यहाँ पे इसने ये शो कर दिया। हमें सिर्फ ओके करना है और उस सेम कंडीशन आपने जो पहले पिवट टेबल में की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और सेम प्रोसेस है, सम ऑफ मोबाइल नंबर, सम ऑफ सैलरी, आप देख रहे हैं ये जो सम है, ये इसका नंबर है, इनकी सम है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ से अब इसके बाद आता है टेबल्स। मैं इसे पहले एज इट इज कर देता हूँ जैसे ये था। ओके, तो यहाँ पे टेबल्स, तो ये टेबल्स का ऑप्शन हमें न्यू टेबल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपको अगर कोई टेबल्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली उसका जो लोकेशन है वो दे सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा है, हम यहाँ पे सिंपल वे से भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमें C10 से E13 तक एक टेबल बनाना है, C10 से E13 तक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, C10 into E13 क्लिक कर देंगे
और देखिए आपका जो टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, C10 और C13। आपको ये जो वैल्यू देनी है वो ऐसे देनी है, आप मेरे माउस की तरफ थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, इस तरह से आपको सेल काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये टेबल सिलेक्ट होगा तो भी यहाँ से आए होगा, यानी कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, इस तरह से आप उनको टेबल्स की वैल्यू दे सकते हैं। इसने ये फिर कॉलम दे दिया, हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, A to Z, Z to A, ये सेम है जो हमने होम मेन्यू में देखा था। होम मेन्यू में जो ये एडिटिंग का ऑप्शन था यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का, इसमें हमने देखा था, तो सेम उसी तरह है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उन्हें कैसे एनालाइज किया जाता है, ये आपको समझ में आज आ गया होगा। तो ये एक बिगनर लेवल कोर्स है, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बताना देना चाहता हूँ कि ये कैसे प्रोसेस करता है, यानी कि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये अगला जो स्टेप है हम जो करने वाले हैं उसके बारे में वो कैसे वर्क करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इलस्ट्रेशन, इसमें जो पिक्चर्स ऑनलाइन पिक्चर्स होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।